हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज छुट्टी वाला दिन है और मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ, लाइक अ डे इन माय लाइफ टाइप ऑफ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि गोलू आई हुई है और मैं उसके लिए आज ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। उसने कल शाम को बोला था कि सुबह आलू के पराठे खाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो उठे उससे पहले मैं आलू के पराठे बनाऊँ। और लाइक रोज़ रोज़ वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो आज मेरे पास टाइम है तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अभी मैंने लाइक आलू वगैरह ऑर्डर करे हैं ब्लैंकेट से। पराठा एंड चाय आर द बेस्ट कॉम्बो एवर। सो आई डोंट नो मैं आज ही कितनी बार करने वाली हूँ, बिकॉज आई एम सो प्राउड ऑफ माई लाइक कुकिंग स्किल्स एंड ऑल। तो मैंने एक ट्रिक देखी थी कि जब हम लोग आलू उबालते हैं तो लाइक बिफोर बॉइलिंग इट वी शुड कट इट लाइक दिस। तो वो बॉइल होने के बाद इजी रहता है पील करने के लिए। हम लोग कोई ट्रिक देखें और उसे एक्सपेरिमेंट ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। लेट्स सी इफ इट्स रियली हेल्पफुल और नॉट। दैट्स इट, थोड़ा सा पानी। आई जस्ट रियलाइज दैट मैंने तब से बोला है जो भी बोला है और मेरा माइक ऑफ था। यार ये कब बंद होगा, कब मैं पराठा बनाना शुरू करूँगी। एंड द मोमेंट ऑफ जजमेंट, देखते हैं ये ट्रिक थम्स अप है और थम्स डाउन। तो ये बहुत गर्म है। पर इट्स एक्चुअली इजी कि नहीं, तो आई एम नॉट श्योर ये ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है, बट ये बहुत गर्म है। आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा कर दिया है, ये इतने की जरूरत होगी नहीं। आटा कल का है फ्रिज में रखा हुआ तो वो यूज कर लेना, बट मैंने देखा नहीं है, मैंने नया बना लिया है। सो हमारा मसाला रेडी है और मैंने पता नहीं कैसे लग रहा है 20 पराठे बनाने हैं, इतना मसाला बना दिया है। बट कम नहीं पड़नी चाहिए चीजें, ज्यादा हो चलेगा, कमी नहीं होनी चाहिए बस। I'll be using this butter. So let's start. अरे ये भी तो चाहिए होगा, बेलन। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला परांठा। मुझे अपना तो पता नहीं, बट माई मदर मेक्स द बेस्ट पराठाज इन दी वर्ल्ड, तो मैंने उन्हीं से ही सीखा है, बट पता नहीं कितना सीखा है। पहले भी मैंने बनाया है, मुझे आता है बनाना, बट कैमरा के सामने पहली बार। सो आई एम गोना बी अ लिटिल नर्वस।
यार आटा गीला हो गया। मेरी मम्मी इतनी डेंजरस है, डेंजरस नहीं है मतलब, मेरी मम्मी ने, मैंने अमेजोन से वो मंगाया था जिसपे लाइक वो एक पैड सा रहता है इतना बड़ा और उस पर हम लोग रोटी बना सकते हैं, और उन्होंने पता नहीं वो कहाँ रख दिया। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मुझे यही चाहिए था। अभी मैंने मम्मी को कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया अब बनेंगे बड़े बड़े पराठे। ये आटा इतना ज्यादा गीला हो गया, मुझे बेलन का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ये भी अच्छी चीज है। ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने पराठा, सक्सेसफुल। बट मुझे मुझे स्टार्टिंग में लगा आटा खराब हो गया है, बट आटा बहुत अच्छा है, मुझे बेलन की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। पराठे की शेप से फर्क नहीं पड़ता है, बस वो थिकनेस नहीं होनी चाहिए और लाइक स्टफिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो वाइल मेकिंग पराठास आई कीप टू थिंग्स इन माइंड, एक तो कि पराठा लाइक क्या था, हाँ एक तो कि पराठा जो इसकी आउटसाइड होती हैं ये थिक नहीं रहनी चाहिए बिकॉज बहुत बुरी लगती है, मतलब इवन होना चाहिए पूरा, और दूसरा कि स्टफिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए फिर चाहे वो टूटी क्यों ना जाए पराठा, बाकी शेप वगैरह से क्या फर्क पड़े। एंड दैट्स हाउ आई मेक पराठास। वाओ दिस इज सो सैटिस्फाइंग। दिखने में बहुत बुरा लग रहा है बट टेस्ट उतना ही अच्छा करेगा जितना बुरा दिखेगा। मेरा तो बहुत सुंदर बना है। जितनी बार मैं खाना बनाती हूँ मुझे उतनी बार रियलाइज होता है कि मुझे खाना बनाना क्यों नहीं पसंद, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तक हमारा लास्ट पराठा बनता है तो हम चाय बनाएंगे। ये वाला पराठा तो बहुत ही डरावना बना है। सुंदर वाला पराठा ऊपर रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग, शेप देख एक नंबर, बढ़िया है ना, पलट के देख उसको। मैंने जानबूझ के अच्छा वाला ऊपर रखा था, अच्छा है ना, टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया यार, मेरे को तो प्रॉपर मिल रही है यहाँ पे आके, ऐसा लगता है कोई बार बार प्रॉपर माँ के जैसे हैं, माँ बनाती है यार पराठे बहुत भयंकर भयंकर नहीं मतलब बहुत अच्छे।
जब खुद खाना बनाता है ना तो मतलब थक गई बना के, फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा अब खाने का। कल तूने बोला था ना शाम को कि सुबह पराठे खाएंगे, तो मैंने सुबह उठ के यही सोचा, मैंने कहा गोलू का पराठे खाने का मन था तो बना लेते हैं। कैसे भी हो रहा है, क्या मैं जाने वाली हूँ।